IFTM यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली से जो आप मुरादाबाद की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर यूनिवर्सिटी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी में हालांकि काफी ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं जो कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड हैं, पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह ही है जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज चलती हैं जो प्राइवेट तरीके से यूजीसी पर लिस्टेड हैं। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यूनिवर्सिटीज के लुभाव ने एडवर्टीजमेंट्स को देखकर सिर्फ और सिर्फ आप एडमिशन कभी ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, देखें जाकर कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स किस तरह पढ़ाते हैं, साथ में ही कैसा यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, स्टूडेंट्स जो पास आउट करे गए हैं उनका क्या है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है IFTM किस तरह की आपको प्लेसमेंट देती है, ये चीजें भी आपको जरूर देख लेनी चाहिए। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFTM यूनिवर्सिटी के बारे में। IFTM यूनिवर्सिटी पर हालांकि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है। IFTM यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली से जो आप मुरादाबाद की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर यूनिवर्सिटी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी में हालांकि काफी ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं जो कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड हैं, पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह ही है जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज चलती हैं जो प्राइवेट तरीके से यूजीसी पर लिस्टेड है। यूजीसी ये रेगुलेट करता है अपने हिंदुस्तान में सभी यूनिवर्सिटीज को, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो। इस यूनिवर्सिटी के पास ऐसे कौन कौन से अप्रूवल्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी को बाकी यूनिवर्सिटीज से अलग बनाती है। लगभग 12-13 साल इस यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं एडमिशन लेते हुए और अभी 2022 में ये वीडियो शूट हो रहा है, तो लगभग देखा जाए तो इतने सालों में इतने कुछ खास अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास है नहीं जिसके लिए मैं आपको बोलूं कि यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज को बीट कर देती है आसपास की, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के आसपास ही और भी यूनिवर्सिटी है। तीर्थांकर यूनिवर्सिटी है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ये भी है, और अगर हापुड़ की साइड जाते हो मोनार्ड यूनिवर्सिटी भी है। बट आज अपने इस वीडियो के माध्यम से काफी सारे आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। जो भी आपके दिल में डाउट्स हैं IFTM यूनिवर्सिटी को लेकर, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, यूजीसी पर कहां रैंक करती है, ऐसी सब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हम बात करें IFTM यूनिवर्सिटी के बारे में तो IFTM यूनिवर्सिटी सबसे पहले 2010 में एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी हुई है। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो है राजीव कोठीवाल और साथ में ही वाइस चांसलर है MP पांडे। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, यह भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की साइट पर वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की लोकेशन की हम बात करें, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी स्थित है ये। बाकी सब डिटेल्स को जानने से पहले आप जानिए यूजीसी एक्ट के बारे में। यूजीसी 1956 का जो एक्ट आया और उस एक्ट के अनुसार जितनी भी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी चलती हैं उन सभी को रेगुलेट करेगी सिर्फ और सिर्फ यूजीसी। तो यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है आपको चेक करना है, तो जैसे जो प्रोसेस पहले ही मैंने कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, आप UGC.AC.IN की वेबसाइट पर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे, वहां आएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक टैब, क्लिक करेंगे उसके बाद सारे ही स्टेट के नाम आ जाएंगे खुलकर। वहां पर आपको उत्तर प्रदेश में जाके क्लिक करना है। जैसे ही उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक करते हैं वहां पर एक लिस्ट खुलकर आएगी जिसमें दिखाएंगे टोटल 33 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं टोटल यूपी में। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी आती है IFTM, जो 9वें नंबर पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। 2010 में 12 अक्टूबर 2010 से ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आती है। मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहां पर जाने के बाद आपको दिखती हैं डिटेल्स, यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दिखती है,
साथ में वीसी इंफॉर्मेशन वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के है प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे, उनका यहाँ फोन नंबर है, मेल आईडी है, साथ में रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन है श्री संजीव अग्रवाल, उनकी भी फोन नंबर और मेल आईडी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम इस यूनिवर्सिटी में आपको होती है सीधा आप इनसे कॉन्टेक्ट करें। मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है तो आप सीधा जाकर कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटीज के लुभावने एडवर्टीजमेंट्स को देखकर सिर्फ और सिर्फ आप एडमिशन कभी ना लें, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्सिटी जाएं, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, देखें जाकर कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स किस तरह पढ़ाते हैं, साथ में ही कैसा यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, स्टूडेंट्स जो पास आउट करे गए हैं उनका क्या है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है IFTM किस तरह की आपको प्लेसमेंट देती है, ये चीजें भी आपको जरूर देख लेनी चाहिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी के एक भव्य कैंपस को देखकर ही आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए। और जब भी आप एडमिशन लेते हैं आसपास के कुछ यूनिवर्सिटी को भी कंपेयर जरूर कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास था। जैसे कि आप IFTM की बात करते हैं तो उसके पास में ही तीर्थंकर यूनिवर्सिटी भी है, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी भी है, उनसे आप कंपेयर कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल है, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाती है। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी के पास हालांकि काफी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं बट आप कुछ चीजों को समझिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मतलब कि BBMB यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है, साथ में ही स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मतलब कि यूनिवर्सिटी फार्मास्यूटिकल के एडमिशन लेती है, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी। PCI फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल देता है जब भी किसी यूनिवर्सिटी को करवाना है बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या एम फार्मेसी, तो इसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और आपको बताऊं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसके पास जो अप्रूवल्स हमेशा एड ऑन किए जाते हैं, जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उसको नॉर्मल से अप्रूवल मिलते हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करा सकती है, साथ में PhD में एडमिशन भी ले सकती है। इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से मेजर अप्रूवल्स हैं उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और ये भी बताएंगे साथ में कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज चलाती है, कोर्स पर भी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। साथ में ही स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड एप्लीकेशंस ये कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि डिप्लोमा, BTech, MTech जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, साथ में ही स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ लॉ मतलब कि LLB करने के लिए, LLM करने के लिए LLB 3 साल कीजिए या 5 साल की कीजिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी को BCI का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना मैंडेट प्रोविजन होता है, जरूरी लेना होता है। ये तो यूनिवर्सिटी के पास दोस्तों कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी करवाती है। इन सभी कोर्सेज में ऐसे कोई खास आपको कोर्सेज या खास ऐसा कोई अप्रूवल अब तक दिखा नहीं होगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इतने खास कोई अप्रूवल्स हैं भी नहीं, इतने अच्छे बड़े बड़े कोर्सेज नहीं है जितना कि और दूसरी यूनिवर्सिटीज के पास में है। यूनिवर्सिटी आप कभी जाते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं मुरादाबाद की साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यूनिवर्सिटी पड़ती है वेंकटेश्वरा, आप आगे जाते हैं फ्लाईओवर से ही मतलब घूमकर आपको आना होगा अगर आप IFTM यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, साथ में तीर्थंकर यूनिवर्सिटी भी है। और तीनों ही यूनिवर्सिटीज ये ऑन हाईवे है, आपको अंदर नहीं जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अंदर जाकर कोई यूनिवर्सिटी होगी, ऑन हाईवे यूनिवर्सिटी है। एडमिशन लेना ना लेना ये आप पर डिपेंड करता है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि आप यूनिवर्सिटी ऐसे ही एडमिशन ना लें बिना विजिट करें, यूनिवर्सिटी को विजिट आप जरूर करें, और बिना विजिट करें अगर आपने एडमिशन लिया और कल आपको पता चलता है कि जिस कोर्स में एडमिशन लिया उसके क्लासे ही प्रॉपर नहीं चल रही, या फिर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हमने ले लिया पर मुझे लगता नहीं कि यूनिवर्सिटी पूरा कोर्स सही से करा पाएगी, क्योंकि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने का आपका पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, आपका अधिकार बनता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। सिर्फ पढ़ने से दोस्तों कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा